माहे नूर बहन हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल अब भी जिंदा है। आजमनगर हत्याकांड को लेकर छात्रा माहिनूर को इंसाफ के लिए काजी टोला चौक में सैकड़ों की तादाद में युवाओं ने कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च का नेतृत्व मुखिया प्रतिनिधि काजी शहबाज कर रहे थे, वहीं जिला परिषद सदस्य गुलजार अहमद और जिला परिषद प्रतिनिधि आफताब ताज मौजूद रहे। काजी शहबाज ने कहा कि आजमनगर में छात्र माहिनपुर के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या के अभियुक्त खुले घूम रहे हैं। पुलिस प्रशासन हाथ पे हाथ धरी बैठी हुई है, अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा होता है, इसलिए बिहार सरकार एवं न्यायालय से मांग करते हैं कि ऐसे हत्यारों को फांसी की सजा दे, ताकि समाज में ऐसे गंदे प्रवृत्ति के लोग पनपने की कोशिश ना करें। वहीं जिला परिषद सदस्य गुलजार अहमद ने कहा कि शांतिपूर्वक कैंडल मार्च आज काजी टोला चौक सहित पूरे हिंदुस्तान निकाला जा रहा है। छात्र के साथ ऐसी घिनौनी हरकत एवं निर्मम हत्या की गई, जितनी निंदा की जाए वह कम है, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आग्रह करती हूं कि इस मामले को संज्ञान में ले और दोषियों को फांसी की सजा मिले, अन्यथा आने वाले दिन पूरे हिंदुस्तान में छात्र नौजवान साथी सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। वही कैंडल मार्च के उपरांत छात्र के लिए हजारों की संख्या में लोगों ने दुआएं मगफिरत मांगी। बात तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। बात तुमसे लेके रहेंगे, फांसी देना होगा, देना होगा, देना होगा। सरकारियों को फांसी देना होगा, देना होगा, देना होगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मानूर के हत्यारों को अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं? मार जवाब दो, नीतीश कुमार नीतीश कुमार मुर्दाबाद। करना होगा, करना होगा, करना होगा। हथियार पुलिस हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। पुलिस प्रशासन हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। नीतीश कुमार हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। नरेंद्र मोदी हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। नरेंद्र मोदी हाय हाय। काजी टोला चौक में बड़ी दुख के साथ जो 25 तारीख को भगोरा पंचायत अंतर्गत भवानीपुर यानी पस्तिया टोली की एक लड़की माहिनूर नाम से, जिसको उसकी सहेली बुलाकर अपना घर में ले आती है और वहां एक बहुत बड़ा कारनामा किया जाता है उस लड़की के साथ, जो पूरी रात रेप करने के बाद फिर उसको फांसी पे लटका दिया जाता है। काफ़ी छानबीन करने के बाद उसकी माँ को पता चलती है, फिर वहाँ से जाकर उस लड़की को लाया जाता है। उस पर ना FIR में अच्छी तरह से लिखा गया, ना ही काफ़ी मेहनत मुशक्कत करने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम करने के बाद पता चलता है जो क्रिमिनल है, जो रेपिस्ट है, जिन्होंने इस तरह का एक घिनौना हरकत किया, उन लोगों की मिली भगत से उस बलात्कार की रिपोर्ट को बदला जाता है। बहुत ही अफसोस की बात है, लेकिन जो नो का नाम जद किया गया है FIR में, जिस घर में वो घटना हुई है, अब तक किसी को गिरफ्तार किया नहीं गया है। हम लोग मांग करते हैं, फिर काफ़ी मेहनत के बाद हमारे विधायक जी भी जाके सालमारी में धरना प्रदर्शन दिए, फिर भी जो एक पोस्टमार्टम का रिपोर्ट होता है, जो इतिहास में कटिहार में पहली बार हुआ, हम लोगों के मेहनत की वजह से जो भागलपुर में दोबारा फिर पोस्टमार्टम किया गया, अभी अभी खबर मिली है कि बिल्कुल घर में पहुंच रही है लाश, लेकिन उनको दफनाने के बाद हम लोग यहां काजी टोला से कसम लेते हैं, जब तक माहिनूर के 9 अपराधियों को फांसी की सजा नहीं दिला देंगे, हम लोग का ये कदम रुकने वाला नहीं है। दोस्तों, हर किसी के घर में माँ बहनें रहती है, इस तरह का घटना एक पूरे हिंदुस्तान को हिला के रख दिया है। ऐसा घटना एक बिल्कुल उसको जो अंजाम दिया गया है, जो एक दहशत दिलाने वाला घटना है। हम लोग चाहते हैं कि जो 9 अपराधियों का नाम जद हुआ है, उनको जितना जल्दी हो फांसी हो, और हम लोग इस तरह का प्रदर्शन करते रहेंगे, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने अपने घर में माहिनूर के लिए सवाब के लिए फातिहा खानी करेंगे, ताकि उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। इन्हीं सत
इन्हीं चंद लफ्जों के साथ, महिनूर हम शर्मिंदा है इसलिए कि आपके कातिल अभी जिंदा है, इंशाल्लाह उनको जिंदा रहने नहीं देंगे। अगर वह जनता की अदालत से बच जाएगा, लेकिन ऊपर वाले का अदालत में हम उसको फैसला को ले जाएंगे और उनको बारसोई प्रखंड संवाददाता तौसीफ अहमद की रिपोर्ट।